रहेगी आप सभी के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, एडमिट कार्ड कब जारी होगा और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद क्या चीज़ें आपको ये दिमाग में रखनी है कि क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तो सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर आपको हम बताएंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद जो सबसे ज़्यादा अगर आपके यूनिवर्सिटी को कवर करने वाला है तो ये यही चैनल होगा जो सारे एंट्रेंस, सारे आपके यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन से लेके कट ऑफ तक कवर करेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े होंगे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, आप वहाँ पर जाके कॉन्टैक्ट करके हमारे टेस्ट सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर CUET MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो चलिए देखेंगे क्या है पूरी डिटेल्स एंड अपडेट्स। अगर हम बात करें CUET एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, जो अभी एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हुआ था और ये 3 दिन आपको अपॉर्चुनिटी दी गई थी 9, 10, 11 तारीख को, और अभी आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है, 13 तारीख तक ये करेक्शन चलेगा। और अगर अभी आपने सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जाके अपना करेक्शन ज़रूर से कर लीजिए और सभी यूनिवर्सिटी को, ऑल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता है कि आपके मार्क्स कितने वाले आने वाले हैं, तो सारे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करके रखेंगे प्रेफरेंसेस में, तो जो है आपको बाद में आपके मार्क्स अगर कम भी आ गए तो आपको आसानी रहेगी, ठीक है। आपका ईयर जो है वो मतलब ड्रॉप नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पर जाके सभी स्टूडेंट जो है सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जब एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जो कंडक्ट होने वाला है वो 5 जून से लेके 12 जून तक कंडक्ट होने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलेगा। अगर कभी ऐसा कुछ, अगर एंट्रेंस के टाइम पे कुछ ऐसे आपके टेक्निकल इशू होता है तभी ये शिफ्ट होता है, अदरवाइज़ आपका ये 5 से लेके 12 जून तक एकदम कंफर्म डेट है, इसमें अभी कोई चेंजेस नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आपके UGC नेट का जो डेट है वो 13 से लेके 22 तक आपका जो है UGC नेट होने वाला है, इसी वजह से इस डेट में अभी भी आपको कोई चेंजेस नहीं देखने का मिलेगा। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो जारी होता है बेसिकली आपका सिटी और एग्ज़ाम जो डेट है कब है आपका किस दिन पड़ा है वो आपको तो विद इन अ वीक दे देगा, पर आपका जो एडमिट कार्ड आप निकालोगे वो आपको आप जस्ट एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, है ना, 2 डेज बिफोर आपके आपका एडमिट कार्ड जो है जारी होता है, ठीक है। आपका मान लीजिए एग्ज़ाम आपका 5 तारीख को है तो आपको 3 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा, ठीक है। पिछले साल भी ये सेम पैटर्न आपके फॉलो हुआ था फर्स्ट CUET PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें रखनी होगी, क्या यहाँ पर जो स्टूडेंट जो अभी अपीयरिंग में हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो उनके लिए क्या है। तो अगर हम बात करें तो आपका अगर रिज़ल्ट नहीं आया है तो कोई इशू नहीं है, आपको अंडरटेकिंग भरने के लिए दिया जाएगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लोगे वहाँ पर आपको समय दिया जाता है 2 से 3 महीने का, और आप तब अपना सारा जो CC TC है ना, रिज़ल्ट, सारी चीज़ें आप देते हो। कुछ कुछ यूनिवर्सिटी मांगती हैं पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटी जो है अंडरटेकिंग भरवा देती हैं, तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, रिज़ल्ट नहीं आया है, तो इसमें कोई भी आपके एडमिशन में हर्डल नहीं क्रिएट होने वाला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिज़ल्ट के, जब आपका बेसिकली एग्ज़ाम हो जाएगा तो रिज़ल्ट और जो आंसर की है वो कब आएगी। तो जो आंसर की एंड रिज़ल्ट जो आपका आता है वो जस्ट 1 मंथ के विदिन आपका आंसर की आता है, और आंसर की पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन करते हैं, उसके लिए आपको कुछ फ़ीस जो है पे करनी पड़ती है, और फिर उसके बाद आप कुछ एविडेंसेस के साथ जो है ऑब्जेक्शन करते हो। उसके बाद आता है फाइनल रिज़ल्ट, कोई सेकंड आंसर की नहीं पब्लिश होती है, डायरेक्ट फाइनल रिज़ल्ट पब्लिश होता है NTA के द्वारा, डायरेक्ट वो आपका रिज़ल्ट पब्लिश करेगा। और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आपका स्कोर आ जाएगा, परसेंटाइल में भी आता है और आपका रॉ स्कोर आता है, तो कुछ कुछ सब्जेक्ट के परसेंटाइल स्कोर भी आते हैं, कुछ कुछ के तो रॉ स्कोर आते हैं, ठीक है। तो जब आपका स्कोर आ जाएगा उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी, एक पर्टिकुलर फीस के साथ आप जो है हर यूनिवर्सिटी में अपना रजिस्ट्रेशन अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग करते हो। मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर यहाँ पर आपका 250 है मार्क्स सपोज़ किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप जो है अपने इस मार्क्स के हिसाब देखोगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट रहेगा आपका एडमिशन लेना, और किस में हो सकता है प्रॉबेबली चांस होने का मतलब संभावना है,
तो आप DU में, JNU में, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में 3-4 आप रजिस्ट्रेशन करते हो कि आपका एडमिशन किसी भी उसमें हो जाए। जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो एक लिस्ट आती है जिसमें आपका अगर नाम होगा तो आपको फिर एक काउंसलिंग के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है, या फिर ऑनलाइन तो वैसे फ़ीस आपका पेमेंट हो जाता है पर फिर भी यूनिवर्सिटी आपको वेरीफिकेशन के लिए बुलाती है। तो ऐसे ही डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो है एडमिशन के लिए डिफरेंट जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब आपका मार्क्स आ जाएगा तो आप हर यूनिवर्सिटी को अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है रजिस्ट्रेशन करोगे, ठीक है, और वहाँ पर आपको सारा जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका रिजल्ट जो है वहाँ पर सारा चेक होगा, ठीक है, सब कुछ वहाँ पर चेक होने के बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी होगी और फिर बाद में जाके आपको वेरिफिकेशन अपना करवाना होगा और फिर एडमिशन आपका हो जाएगा। तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है फॉर PG प्रोग्राम, वो एक आपका सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है पर अभी भी आपको सभी यूनिवर्सिटी में जा कर के रजिस्ट्रेशन करना होता है और अपने स्कोर के हिसाब से प्रेफरेंसेस बनाने होते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में आपके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो क्या ये मतलब आपकी एग्ज़ाम मतलब कि जब सिर्फ एक ही लिस्ट आती है या फिर न्यूमरस जो है नंबर्स ऑफ सीट आपके लिस्ट आती है, तो यस याद रखिएगा कि आपके जब आपका एंट्रेंस होगा तो नंबर ऑफ जो लिस्ट है वो बहुत सारी आती है जब तक कि सीट पूरी तरीके से फिल ना हो जाए। एक बार में एक लिस्ट में अगर आई तो उसमें सारी सीट नहीं फिल होती है, बहुत सारी लिस्ट, कम से कम 15-16 लिस्ट तक भी किसी किसी आपके प्रोग्राम में हमने पिछले साल देखा था कि आया था। तो नंबर ऑफ लिस्ट बहुत सारी आती है और एडमिशन लगातार चलते रहता है, ठीक है, ठीक है। तो और याद रखिएगा जिसका लास्ट मतलब आपका अभी भी रिजल्ट नहीं आया है वो पैनिक नहीं करेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। बस ये कि अपने स्कोर को दोनों पार्ट में ए और बी में मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करिए जिससे कि आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी आपका कवर हो जाए, क्योंकि आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी भी पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को कंसीडर यहाँ पर कर रही है, जबकि JNU सिर्फ पार्ट बी जो है आपका उसको कंसीडर करता है, जबकि HCU और BHU की अगर हम बात करें तो ये आपका सिर्फ पार्ट ए और पार्ट बी ये भी दोनों कंसीडर कर रही है, ठीक है। तो आप दोनों में मैक्सिमाइज स्कोर करने की कोशिश करिएगा तो आपको तब जाके टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। इफ़ इन केस की नंबर कभी भी बहुत कम आ जाता है 100 के नीचे 80-70, क्या इस पे एडमिशन होता है? तो यस इस पे भी एडमिशन होता है। अब ये है कि आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, है ना, 1-2 महीने तक, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था कि बहुत सारे बच्चों का बहुत लास्ट में एडमिशन हुआ था, जब सीट्स बच जाती हैं वैकेंट रह जाती हैं तो आपको जो है वहाँ पर मॉपअप राउंड के लिए बुला जाता है। मॉपअप राउंड में बेसिकली आप जाके डायरेक्ट काउंसलिंग करवा सकते हो सीट जो गिवन सीट होता है, जो बचा हुआ सीट होता है उस पर, ठीक है। तो डायरेक्ट काउंसलिंग का भी यहाँ पर अवसर आपको दिया जाता है, आप वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं होंगे फिर भी आप जाके वहाँ पर कर सकते हो, पर यह है कि नंबर ऑफ़ सीट्स अगर बची रहेंगी तो मॉपअप राउंड भी यहाँ पर आपके देखने के लिए मिलता है। पेड सीट भी यहाँ पर आपकी होती है, पेड सीट में मतलब बेसिकली आपके कुछ एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करके आपका एडमिशन होता है, पर रेगुलर सीट जैसे आपके एडमिशन रेगुलर सीट पे होती है वैसे ही पेड सीट पे होती है। और आपको आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे एंड जब भी आपके पोर्टल पे दिखाएगा तो आपको पेड सीट दिखाएगा और पेड सीट की फ़ीस थोड़ी सी हाई होती है। तो कुछ यूनिवर्सिटी आपके पेड सीट पे करवाती है जैसे BHU हो गया और आपका BBAU, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है, मतलब अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा आप जो है सारा अगर अपना रिज़ल्ट के बाद आपने वो दे दिया मतलब ऑब्जेक्शन कर दिया, फिर उसके बाद रिज़ल्ट मतलब आपका बन जाएगा, फिर उसके बाद आंसर की आएगी, फिर आप उस पर आंसर की पे ऑब्जेक्शन करोगे, फिर रिज़ल्ट आएगा, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। सबसे ज़्यादा कवरेज हम करेंगे ये जो है याद रखिएगा। तो आप अभी भी जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, मुझे पता है आपने नहीं किया क्योंकि मुझे मैं भी डेटा देखती हूँ, पर आप ज़रूर करिएगा क्योंकि आपके लास्ट तक हम लोग जो है जुड़े रहेंगे। आपने पिछले अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारी हिस्ट्री में भी देख सकते हैं कि हमने लगातार जो है पिछले साल भी यूनिवर्सिटी को कवर किया था सारे, ठीक है। तो आपका एडमिशन हमारे द्वारा ही होगा और हम बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। स्टे ट्यून विद अस, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे सब्सक्राइब करिए क्योंकि टेलीग्राम पे ही हम सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।